दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके नंबर पे कहीं से भी कोई कॉल वगैरह आता है या फिर दोस्तों कोई एसएमएस आता है तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन उसका नाम लेकर बताया कि इस फलाना का इस बंदे का कॉल आ रहा है, इस बंदे का एसएमएस आया है। अब दोस्तों ये ट्रिक आपके हर एक फ़ोन में वर्क करेगी, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी का हो। सबसे पहले दोस्तों इसे इनेबल करने के लिए क्या क्या करने हैं, कैसे सेटिंग वगैरह करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, किस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के लास्ट एंड तक देखना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो आपका डायलर है दोस्तों ये ओपन कर लेना है। और दोस्तों हर एक मोबाइल फ़ोन के डायलर के अंदर एक सेटिंग होती है या फिर दोस्तों 3 डॉट होता है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर टैप करना है और आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ बहुत ढेर सारे सेटिंग मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं और ये सेटिंग हर एक मोबाइल फ़ोन के अंदर होते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे ढूंढना है कॉलर नेम अनाउंसर, जो कि दोस्तों मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉलर नेम अनाउंसर अगर देख पा रहा हूँ तो नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में हो या किसी किसी फ़ोन में ना भी हो, जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपली दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना है और जिस प्रकार से दोस्तों ये एप्लीकेशन है कॉलर नेम अनाउंसर, काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन है और 100% वर्क करती है। सिंपली दोस्तों आपको इसे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेने हैं, ओपन करने हैं। कैसे कैसे सेटिंग करनी है वो चीज़ें तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है, कंटिन्यू पे जैसे ही टैप करोगे अलाउ पे टैप करना है, फिर से अलाउ पे टैप करना है, फिर से अलाउ पे टैप कर देना है, यस पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है, अलाउ पे टैप करना है, बैक आने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलर थीम मिल जाता है, कॉलर अनाउंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कॉलर अनाउंसर की बात करते हैं। यहाँ पे इनिशियल टाइम डिले फॉर अनाउंसमेंट 2 सेकेंड रखना, अनाउंसमेंट रिपीट टाइम यहाँ पे 4 टाइम कर देना, डिले बिटवीन अनाउंसमेंट यहाँ पे 4 सेकेंड ही रहने देना। अब दोस्तों आपको यहाँ पे स्पेसिफाई व्हाट अनाउंस फॉर अनकोन नंबर, तो आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेट करना अनकनोन नंबर पे यहाँ पे अनाउंस करना चाहिए, तो अनाउंस नंबर पे या अनकनोन नंबर पे यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर देना, अनाउंस कस्टम नेम तो अनकनोन नंबर यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर देना। इसके बाद अनाउंस नेम ओनली आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आ जाने हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिर से आपको अनाउंस सेटिंग के अंदर आने हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पे रिंग मोड, किस मोड में आपका फ़ोन रहेगा, रिंग, वाइब्रेट या साइलेंट, तो भी दोस्तों अगर आप सेट कर देते हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन रिंग में रहे, चाहे वाइब्रेट में रहे, चाहे साइलेंट में रहे, साइलेंट में तो नहीं मैं सजेस्ट करूँगा, इसे बंद रख देना, सेट पे टैप कर दो, आपका जो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा वो कर देगा। अनाउंसमेंट यहाँ पे अनाउंस वॉल्यूम्स तो आपको यहाँ पे 100% कर देना है, कॉल और एसएमएस पे सेट पे टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो इसकी स्पीड है आपको यहाँ पे नॉर्मल पे रखना है, आपको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। इसके बाद आपको अपने जो इम्पोर्टेंट जानकारी, इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो आपको ये चीज़ें जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे TTS इंजन जो होना चाहिए गूगल का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बोलने में जो लैंग्वेज है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। स्पीक लैंग्वेज हिंदी इंडिया ही सिलेक्ट रखना, आप लोग ध्यान रखना हिंदी इंडिया सेलेक्ट रखना। इसके बाद आपको डाउनलोड TTS स्पीक लैंग्वेज, आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी इंडिया नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर लेना। इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कहीं अनकनोन नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं से कॉल वगैरह आता है तो किस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बोलेगा, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। मैं टेस्ट वाइज पे टैप करता हूँ, ये कनेक्टिंग हो रहा है और जैसे पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे किस प्रकार से बोलेगा आपको यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर ये सुनाई देगा। फिर से एक बार टेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सारी यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक चीज रह गया है एसएमएस वाला, तो दोस्तों वो चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एसएमएस में जाने हैं और आपको यहाँ पे अनकनोन नंबर से भी एसएमएस आएगा तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो इसे इनेबल कर देना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इनेबल कर देना है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ नहीं है। अनकनोन नंबर से भी आएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से सेव पे टैप कर देना है ताकि ये आपको बता सके अनकनोन नंबर से एसएमएस आया है। बाकी सारी की सारी सेटिंग वही है जो मैंने सेटिंग किया इसके अंदर भी, वो चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है ताकि आपके नंबर पे दोस्तों कहीं से भी कॉल आता है या एसएमएस आता है तो दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन अनाउंसमेंट कर सके उसका नाम। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थीम वगैरह तो आप थीम को चाहो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन भी रख सकते हो। कॉलर इन्फो को दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो फीचर्स अभी कमिंग सून में है आने वाला है,
और बाकी दोस्तों ये सारी यहाँ पर परमिशन अलाउ हो चुकी है कॉल अनाउंसर का और SMS अनाउंसर का। अगर आप चाहो तो दोस्तों फ्लैश यहाँ पर लाइट को अलर्ट कर सकते हो ताकि दोस्तों अगर आपके पास कोई कॉल वगैरह आती है या फिर कोई SMS आता है तो आपका मोबाइल फोन भी फ्लैश करे। तो दोस्तों इस कॉल अनाउंसर के अंदर जो भी सेटिंग थी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। अब दोस्तों आपके नंबर पर कहीं से भी कॉल आएगा तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन जोर जोर से नाम लेकर बताया कि इस बंदे का कॉल आया है। सो दोस्तों आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक और इसी तरह की न्यू और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।